हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 5 से 7 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे नया मंत्रालय मोदी सरकार ने गठित किया है, कई राज्यों के गवर्नर चेंज हो गए हैं और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोदी सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय यानी न्यू मिनिस्ट्री जुलाई 2021 में बनाया है? आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कहेंगे। इस मिनिस्ट्री के जरिए केंद्र सरकार जो है सहकार से समृद्धि विजन को आगे बढ़ाएगी। केंद्र सरकार का विजन है सहकार से समृद्धि, तो उसको आगे बढ़ाएगी। और ये मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। ओके, देखिए सरकार जो है इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने का काम करने की सोच रही है, ऐसा सरकार का कहना है। और ये भी बात कही गई कि सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, मतलब व्यापार में सुगमता लाई जाएगी। ठीक है, और देखिए देश में सहकारिता पर आधारित जो आर्थिक विकास मॉडल है वो बहुत प्रासंगिक है और प्रत्येक सदस्य की इसमें जिम्मेदारी होती है, जो सहकारिता होती है उसमें। तो मुझे लगता है कई लोगों को आपको पता होगा कोऑपरेटिव क्या होता है या सहकारिता क्या होता है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं मैं, सहकारिता जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव। ओके, ये मतलब ये है कि मिलजुल कर साथ काम करना, ऐसा संगठन होता है ये जिसके सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा उदाहरण तो अमूल है जो कि कोऑपरेटिव है। और आपको बताऊं कि सहकारिता का यानी कोऑपरेटिव का बहुत बड़े पैमाने पर जो काम हुआ वो देश में श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनके समय में हुआ था। सहकारिता के जरिए ही देश को मतलब दूध के उत्पादन में काफ़ी बेहतरी मिली थी, क्योंकि श्वेत क्रांति आई थी। ठीक है, तो अमूल इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण है कोऑपरेटिव का, बड़ा योगदान है देश में। ओके, तो तमाम किसान जो मवेशियों से दूध उत्पादन करते हैं वो सब इसके सदस्य हैं और इसके आगे भलाई के लिए वो काम करते रहते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, नया मंत्रालय बनाया गया है और ऐसे वक्त में जो सहकारिता शब्द है यानी कोऑपरेटिव शब्द है वो आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में UPSC हो, स्टेट PSC हो या SSC हो या उत्तर प्रदेश का PET एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उन सब में इस तरह की चीज़ें जो है वो ध्यान रखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यपाल बदल दिए हैं, इनमें से 4 का ट्रांसफ़र किया गया है अलग से, एक से दूसरे राज्य में, और 4 नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जो एक साथ 8 राज्यपाल बदले गए हैं। आमतौर पर यह होता था कि अलग अलग समय में 1, 2, 3, 4 ऐसे बदल दिए जाते थे। हाँ, 2018 में एक साथ 7 गवर्नर बदले गए थे, तो इस बार देखने को मिला है 8 गवर्नर बदले गए हैं। तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं वो लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आप लोग मांग रहे थे, तो मैराथन वीडियो आ रहा है 8 जुलाई को यानी कल सुबह 11 बजे। 8 जुलाई की सुबह 11 बजे देखना मत भूलना, मैराथन वीडियो होगा, लगातार चलेगा कई घंटों का, और 800 से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसका PDF भी मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को कर्नाटक का नया गवर्नर बनाया गया? आंसर होगा थावरचंद गहलोत। ओके, अभी तो वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं यानी सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, लेकिन अब वो कर्नाटक के गवर्नर हो जाएंगे, तो कर्नाटक के गवर्नर होते ही वो मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे देंगे। और वो किसकी जगह लेंगे कर्नाटक में? तो वजू भाई वाला की जगह लेंगे। ठीक है, इनके बारे में मैं बता दूँ, थावरचंद गहलोत के बारे में, वो 73 ईयर के हैं और मध्य प्रदेश के मूलतः वो निवासी हैं। और आपको बता दूं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद लगातार कैबिनेट में शामिल रहे हैं। और ये कहा जाता है कि काफ़ी गरीब परिवार से थे वो, शुरुआती दिनों में फैक्ट्री में नौकरी की, फिर नौकरी छूटी तो
साइकिल का पंक्चर बनाने का भी काम किया था उन्होंने। और जब आगे बढ़े तो आज मतलब मंत्री और फिर गवर्नर, ओके, हालांकि गवर्नर से बेहतर कद माना जाता है केंद्रीय मंत्री का, लेकिन सरकार का फैसला है तो अब उनको गवर्नर बनना पड़ रहा है। तो कर्नाटक में वो गवर्नर बने हैं, कर्नाटक की भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राजकीय पशु क्या है? इंडियन हाथी। राजकीय फूल क्या है? कमल है। राजकीय पेड़ क्या है? चंदन है। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें, कई बार एग्जामिनेशंस में आते हैं तो यहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान, डोल कुनीथा, नाग मंडला, जुडू हेली, इसके अलावा भी और भी हैं ओके नृत्य, ये लेकिन प्रमुख ये सब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? आंसर होगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, इससे पहले कौन थी गवर्नर वहाँ की? तो आनंदी बेन पटेल, हालांकि वो प्रभारी गवर्नर थी। आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और प्रभारी थी मध्य प्रदेश की। तो अब मध्य प्रदेश में नए गवर्नर आ गए हैं। ओके, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, आपको बता दूं कि वो गुजरात विधानसभा में सभापति रह चुके हैं और गुजरात कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं ये। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजधानी क्या है? भोपाल। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय फूल क्या है? लिली। राजकीय पेड़ क्या है? बरगद है। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या कहें शाह बुलबुल। प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें तो गणगौर, मटकी, गरबा, डांडिया, बिनाकी, कर्मा लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड के नए गवर्नर कौन है, नए राज्यपाल? आंसर होगा रमेश बैंस। ओके, किसकी जगह ली उन्होंने? तो द्रौपदी मुर्मू की जगह ली, जो कि पहले गवर्नर थी वो। तो अब रमेश बैंस जो है वो गवर्नर हो गए हैं और रमेश बैंस का ट्रांसफ़र हुआ है त्रिपुरा से, वो त्रिपुरा के गवर्नर थे। रमेश बैंस का ताल्लुक जो है वो छत्तीसगढ़ से है और 7 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही उनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया था, तो अब वो झारखंड के गवर्नर बन गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? हेमंत सोरेन। राजधानी क्या है? रांची। राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजकीय पेड़ क्या है? साल। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से? तो फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भरतिया नाच, सोहराई। अगला क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा के नए गवर्नर का नाम बताएं, कौन है हरियाणा के नए गवर्नर? आंसर होगा बंडारू दत्तात्रेय। ओके, वो इससे पहले कहाँ थे? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे और अब हरियाणा के गवर्नर हो गए हैं। ओके, अब मूलतः वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं। अब वाजपेयी सरकार में भी मंत्री वो रह चुके हैं। ओके, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त वो केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम और रोजगार थे। ठीक है, हरियाणा के अब गवर्नर बन गए हैं, तो हरियाणा की भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक। राजकीय फूल क्या है? कमल। राजकीय पेड़ क्या है? पीपल। राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। ओके, और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रास है, लीला, घूमर, झूमर, फाग, सांग, छठी, खेड़िया, धमाल, डफ, गुग्गा डांस, लूर नृत्य। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल? आंसर होगा सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, इससे पहले वो हरियाणा के गवर्नर थे और अब त्रिपुरा उनको भेज दिया गया है। तो त्रिपुरा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। राजधानी क्या है? अगरतला। राजकीय पशु क्या है? फायरे लंगूर। राजकीय फूल क्या है? नाग केसर है। राजकीय पेड़ क्या है? अगार है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो बीजू, लेबांग, बुमानी, होजागिरी, गारिया, झूम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम बताएं, कौन है? आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर।
ओके, उनका ताल्लुक गोवा से है और भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं वो। तो हिमाचल प्रदेश के अब वो गवर्नर बन गए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्य के पशु क्या है? बर्फानी तेंदुआ। राज्य के फूल क्या है? बुरांस। राज्य के पेड़ क्या है? देवदार। राज्य के पक्षी क्या है? जुजुराना। और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो करथी, नाटी, बिड़सु का थोड़ा नृत्य, घूटी नृत्य, राक्षस नृत्य, गिद्दा, कटियाल, ये सब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोवा के नए गवर्नर कौन है, नए राज्यपाल? आंसर होगा PAS श्रीधरन पिल्लई। ओके, इससे पहले वो मिजोरम के गवर्नर थे, अब वो गोवा के गवर्नर होंगे। ठीक है, इससे पहले गोवा के गवर्नर का जो प्रभार है वो भगत सिंह कोश्यारी के पास था, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। तो अब गोवा के गवर्नर कौन बन गए हैं? तो PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। राज्य के पशु क्या है? गौर। राज्य के पेड़ क्या है? मत्ती। राज्य के पक्षी क्या है? बुलबुल। और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो मांडी, झागोर, टकनी और खोल वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन, मिजोरम के नए गवर्नर का नाम बताएं। कौन है मिजोरम के नए गवर्नर? इसका आंसर होगा हरी बाबू कंभम पति। ओके, इससे पहले मिजोरम के गवर्नर कौन थे? PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि अब गोवा के हो गए। ठीक है, और अब ये हरी बाबू जो हैं वो बन गए हैं मिजोरम के गवर्नर नए। ठीक है, विशाखापट्टनम के सांसद रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो। तो मिजोरम की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थांगा। राज्य के फूल क्या है? रेड वांडा। राज्य के पेड़ क्या है? आयरन वुड। राज्य के पक्षी क्या है? मिसिस हुमेर तीतर। तो ये 8 गवर्नर जो चेंज हुए, एक बार फटाफट में आपको मेरे बगल में दिख जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कौन बन गए हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कर्नाटक में थाबरचंद गहलोत। झारखंड में रमेश बैंस। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा में PS श्रीधरन पिल्ले और मिजोरम में हरी बाबू कंभम पति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, अमेज़न के नए CEO कौन बनाए गए हैं? नए CEO, आंसर होगा एंडी जेसी। ओके, देखिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बोजेस अब तक CEO थे, लेकिन उन्होंने 5 जुलाई 2021 को CEO पद को छोड़ दिया। हालांकि वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि जो नए CEO बने हैं वो अमेज़न वेब सर्विस के एग्जीक्यूटिव थे, एंडी जेसी। ठीक है, तो अब वो Amazon.com के प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर भी काम करेंगे। अब 20 वर्षों से वो अमेज़न का क्लाउड का काम देख रहे हैं, चला रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो क्यों छोड़ा पद जेफ बेजोस ने, ये सवाल उठता है। तो जेफ बेजोस का कहना है कि वो और कुछ करना चाह रहे हैं और इसको और विस्तार देना चाह रहे हैं अमेज़न को। ठीक है, और 5 जुलाई को ही क्यों उन्होंने पद छोड़ा? क्योंकि 5 जुलाई 1994 को अमेज़न की शुरुआत हुई थी। और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि एक छोटे से गैराज में अमेज़न की उन्होंने नींव डाली थी और अब ये कंपनी मल्टीनेशनल है, दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम है ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। ठीक है, भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST। अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिपुरा राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। ओके, वयोवृद्ध अधिवक्ता हैं वो, सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 जुलाई। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग फ्री डे
जो है इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 जुलाई 2021 को कई देशों के बीच वर्चुअल आयोजित कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का विषय क्या था? आंसर का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के संबंध में भारत के अनुभव को साझा करना। ओके, कोविन ऐप है, इसको दूसरे देश भी चाह रहे हैं कि वो इस्तेमाल करें ऐप को, तो वहाँ भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई को ये कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा कि महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी उम्मीद है, और कोविन जो प्लेटफॉर्म है उसकी भूमिका को बताया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। आंसर होगा जुलाई महीने के पहले शनिवार को। ओके, तो देखिए अभी दिवस भी है और 2021 में ये 3 जुलाई को दिवस आयोजित किया गया, और केंद्र सरकार ने नया कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बना दिया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये कोऑपरेटिव डे जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आयोजित होता है। थीम क्या है? एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने 30 जून 2021 को वर्ल्ड रैंकिंग जारी की, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस रैंक पर है? आंसर का फोर्थ, चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे बेल्जियम है, थर्ड पे नीदरलैंड है, फोर्थ पे भारत है और फिफ्थ पे जर्मनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 30 जून 2021 को वर्ल्ड रैंकिंग जारी की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 10th, 10वें स्थान पर है भारतीय महिला हॉकी टीम। ठीक है, तो टॉप फाइव देश कौन कौन से हैं? टॉप 5 देश, तो पहले पे नीदरलैंड, सेकंड पे अर्जेंटीना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ पे इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल वर्कर डे। आंसर होगा 1 जुलाई। ठीक है, देखिए समाज में डाक कर्मियों के द्वारा जो सेवा की जाती है उसके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसको एक सही सपोर्ट भी करता है इस दिवस को। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर करना तमाम दोस्तों को। और हाँ, आपको बता दूँ कि 8 जुलाई की सुबह 11 बजे देखना मत भूलना, करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई तक का मैराथन वीडियो है, आपके लिए काम आएगा। MCQ हम लोग लेके चल रहे हैं और PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और हाँ, अभी जो आपने पूरा वीडियो देखा उसका पूरा कंटेंट डिटेल में अवेलेबल हो गया, मेरे बगल में लिंक है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए।